नमस्कार, हिस्ट्री इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664, 1764, 1599 या फिर 1602। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता का पतन हो गया, पर अभी भी उत्तर भारत में घुसपैठ करना विदेशियों के लिए आसान नहीं था। लेकिन सुदूर दक्षिण भारत की परिस्थितियाँ धीरे धीरे उनके अनुकूल होती जा रही थी और वहाँ अंग्रेज, डच और पुर्तगाली क्षेत्र और व्यापार पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लुई चौदहवें के समय फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना फ्रांस में कोलबर्ट द्वारा 1664 में की जा चुकी थी, लेकिन भारत में इसे कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित किया गया। इस प्रकार उन्हें एक नए प्रतिद्वंदी के रूप में फ्रांस मिला, जिसने धीरे धीरे पौंडिचेरी पर अपनी स्थिति को मजबूती दी और इसे किलाबंद किया। पौंडिचेरी की स्थापना भी फ्रांसीसी मॉर्टिन द्वारा ही की गई थी, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से फ्रांस सरकार पर निर्भर थी। उस समय फ्रांस सरकार यूरोपीय राजनीति में काफी व्यस्त थी। ऐसे और भी कई कारणों के चलते भारत में वे ज्यादा ध्यान नहीं दे सके और जल्द ही अंग्रेजों ने उन्हें भारत से खदेड़ दिया।